फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आपके लिए क्यू एंड ए की वीडियो बना रहे हैं। मैं आपके पूछे हुए सवालों के जवाब देंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कैसर हमजा, आपके बालों के सिल्की होने का क्या राज है? कोई इंजेक्शन वगैरह है या कुछ और? फ्रेंड्स, बाल तो मेरे ओरिजिनल हैं, लेकिन इनमें कलर डाई वगैरह मैं करवाती रहती हूँ 6 मंथ के बाद, और इंजेक्शंस वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, ना ही मुझे इसका कोई इल्म है। एंड नेक्स्ट है वहीद तारक, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, ओवर नहीं होती, आप पे सूट करती है। थैंक यू सो मच। आप ड्रेसिंग कहाँ से सिलेक्ट करती हैं और कहाँ से स्टिच करवाती हैं? मैं ड्रेसिंग तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की यूज़ करती हूँ, और स्टिचिंग मेरी लाहौर से होती है, बाबूज कलेक्शंस। आपके बाल में जो मल्टी कलर की लाइंस आती हैं, वो एक्सटेंशंस हैं या कुछ और? अगर एक्सटेंशंस हैं तो आपने कहाँ से ली हैं, आप बता दें। मरियम अरूज। थैंक्स मरियम अरूज, आपने मेरी तारीफ़ की, लेकिन 2 मंथ पहले वो मेरे बालों का कलर था बिल्कुल एग्जैक्टली, वो फंकी कलर थे और एक्सटेंशन थी वो, और ये मैंने इस्लामाबाद F7 में जुगल सैलून से कराए हैं। तो थैंक यू सो मच मरियम अरूज, अच्छा लगा कि आपको मेरे ये हेयर्स पसंद आए, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। तो और जिन लोगों को अब भी मेरे इन हेयर्स के बारे में जानना है, ये भी मैंने जुगन से कराए हैं, और जो कि मैं बहुत जल्द चेंज करने वाली हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट है मोहम्मद अली, तो बहुत लंबा सा रिकमेंड किया हुआ है, सॉरी टू से मोहम्मद अली 19। हम आपका ये लंबा सारा जो क्वेश्चन है इसको शॉर्ट करते हैं। बहुत कुछ आपने लिखा, थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक, आपने इतनी तारीफ की मेरी, और अच्छा लगा मुझे। एंड मरियम अरूज ने कमेंट किया है, आपने इस वीडियो में जो ड्रेस पहना है कहाँ से लिया है, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, प्लीज़ बताएं कहाँ से लेती हैं। तो मरियम अरूज, एक्चुअली बात यह है कि मैं ड्रेसिंग जो है ना, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की करती हूँ। उस दिन जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था वो भी गुल अहमद का था, और आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी गुल अहमद का है, लेकिन मैं सब ब्रांड को कैरी करती हूँ, जैसे कि खादी हो गया, निशाद हो गया, अलकरम हो गया, एंड सना सफीना हो गया, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, वो यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप जाएँ ब्रांड, इन ब्रांड से अपनी सिलेक्शन अच्छी करें और कपड़े लें, लेकिन उसके लिए आपका जो टेलर है ना, वो अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आज ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, ये गुल अहमद का ड्रेस है और ये अंगरखा स्टाइल बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको मैंने कैसे स्टिच करवाया है, बैक पर भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ड्रेसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने दिमाग से स्टिच करवाती हूँ, तब जाके मेरा ड्रेस वंडरफुल बनता है। तो कैसी लग रही हूँ मैं आज, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदा शेख, इंडिया से। परी, मैं इंडिया से हूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी ड्रेसिंग की, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू लॉट। थैंक यू सो मच फरीदा शेख, इंडिया से। तो ज़्यादातर जितने भी कमेंट्स मैंने अभी देखे हैं, उसमें मेरी ड्रेसिंग के बारे में, मेरे हेयर्स के बारे में लोग पूछते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हो, मेरे हेयर्स को, मेरी ड्रेसिंग को। अच्छा, नेक्स्ट लीना खान, प्लीज़ अपने हेयर्स के बारे में बताएं, प्लीज़ जो कलर्स हाइलाइट्स आपने करवाए हैं उसके बारे में बताएं, प्लीज़। जी ज़रूर, इंशाल्लाह, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, आपने कमेंट्स में लिखा है कि इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने जो स्टिक्स करवाए हैं, हाईलाइट करवाए हैं, ये मैंने जुगन सैलून से कराए हैं, इस्लामाबाद से। आप जाएँ और ट्रीटमेंट ले लें। तो नेक्स्ट सवाल है शबाज अहमद, आपकी ड्रेसिंग का तो जवाब नहीं, और एक बात, जितना ज़्यादा मैं आपको पसंद करता हूँ, यकीन करें कोई भी नहीं करता होगा, आपकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि एक बार मेरा नाम लेकर मेरे बारे में कुछ ज़रूर बोलें, शुक्रिया। शबाज अहमद, आपके बारे में मैंने कितना डीपली बोला है,
थैंक यू शहबाज अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलावल मोहम्मद, आपने उस वीडियो में बहुत अच्छा डांस किया हुआ है, वो सॉन्ग है तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। थैंक यू सो मच बिलावल मोहम्मद, आप विदाउट मेकअप भी सुपर लगती हो। आई लव यू सिस्टर परी जी, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं स्वीट हार्ट, आप वैसे ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। हाँ वैसे फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, लोग मेरे मेकअप के बारे में बात करते हैं। मैं मेकअप इतना नहीं करती, बस आईलैशेस काजल एंड लिपस्टिक जस्ट। बेस अगर फंक्शंस में मैं जाती हूँ तो बेस मैं बहुत ही लाइट यूज़ करती हूँ, मुझे खुद भी मेकअप अच्छा नहीं लगता। एक तो मेकअप से आपकी स्किन ख़राब होती है, तो वैसे भी मेकअप जो इंसान नेचुरल होता है वो तो फिर नेचुरल ही होता है ना। तो अगला सवाल है उमेर खान, परी पारो आप इस टाइम अरूज पे हैं बट ये क्रेडिट किसे देना चाहेंगी आप जिसकी वजह से आपने अरूज देखा? ये क्रेडिट तो मैं अपने अल्लाह को दूंगी, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी और आज मैं इस मकाम पे हूँ। अब्दुल्ला अकबर, पारो आप कहाँ रहती हो एंड अगर आपसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? अक्सर कमेंट में मैंने ये देखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं सरगोधा में रहती हूँ और सरगोधा के साथ कोट ममन वहाँ में रहती हूँ और अपने गुरु के पास होती हूँ मैं। जीनत अशरफ, आप अपने ड्रेस कहाँ से लेती हैं और कितने प्राइस तक की होती हैं आपकी ड्रेसिंग? आपकी हर ड्रेसिंग ऑसम होती है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें प्लीज़। तो जीनत अशरफ, जो मेरी ये ड्रेस पहना हुआ है ना, ये 15,000 का है और फिर बाकी स्टिचिंग में जो खर्चा आता है वो तो फिर बाद में पता चलता है। तो जितने भी ड्रेसिंग होते हैं जो मतलब मौसम के हवाले से होते हैं, जो लॉन के होते हैं, और अब जैसे कि आपको पता है कि अब आगे विंटर आने वाला है तो विंटर के अलग होंगे, लॉन के अलग होंगे। आप किसी भी ब्रांड पर जाएँ तो वहाँ पर उसके प्राइस मैंशन होंगे, आप खरीद लें। मेरे हर ड्रेस के अलग अलग प्राइस हैं, आप सबके तो बता नहीं सकती, इसलिए आपने जिसका पूछा मैंने बता दिया। ओके थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहबाज, अपनी स्किन केयर के बारे में बताएं, इतनी ग्लोइंग कैसे है? वाकई में स्किन इतनी ग्लोइंग है? हाँ बिल्कुल, मैं जब वापस आती हूँ फंक्शन से, जब मैं वापस आती हूँ तब मैं आके क्लिनजिंग करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस क्लिनजर के बारे में भी बताएँगे, ठीक है, क्लिनजर कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, अभी नहीं बता सकती। तो थैंक यू मोहम्मद शहबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजम अब्बास, परी पारो आप बहुत प्यारी हो, लुकिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपको कभी किसी से प्यार हुआ? लव इज़ लाइफ। काजम अब्बास, आपने तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन किया है। बिल्कुल प्यार तो सबको होता है, तो मुझे भी है, लेकिन सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किससे प्यार करती हूँ। ये मैं नहीं बता सकती कि मैं किससे प्यार करती हूँ। हाँ मैं हल करती हूँ, मुझे भी प्यार है। और फ्रेंड्स, अक्सर लोग मेरी चूड़ियों के बारे में बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है हर ड्रेस के साथ चूड़ियाँ मैं मैच करती हूँ, एयरिंग्स मैं मैच करती हूँ, जूता मैं मैच करती हूँ। क्योंकि जब आप ड्रेस पहनते हो ना, जब तक आपकी सारी मैचिंग ना हो तो तब ड्रेस पहनने का मज़ा नहीं है। ये नहीं होता कि आपने ड्रेस इस कलर का पहना हुआ है तो जूड़ी किसी और कलर की है, चूड़ियाँ किसी और कलर की हैं, ऐसे नहीं होता। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने ड्रेस के साथ हर चीज़ मैच करूं, इसीलिए आप लोगों को इतना अच्छा लगती हूँ मैं ना। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, उनका रिप्लाई करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मतलब इतना डीपली सोचते हो मेरे बारे में, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जो मेरा न्यू चैनल है परी पारो ऑफिशियल, तो फ्रेंड्स माय न्यू चैनल परी पारो ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अब मैं अपने उस चैनल पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डांस के लिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडियो को आप देख रहे हैं तो हमें बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें टाइम बताएं कि वीडियो और किस टाइम अपलोड करें,
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, हमेशा खुश रहें। थैंक यू।